जस्ट ऑटो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे जस्ट ऑटो का 2024 जुलाई वाला बैच खत्म होने जा रहा है और ये सभी लोग समापन के ऊपर हैं। विदाई समारोह है आज इनका। कैसा रहा आपका आज पूरा महीना? बढ़िया। कॉन्फिडेंस के साथ? कितने लोग नहीं सीखे? सभी सीखे? जी सर। सभी संतुष्ट? जी सर। तो कैसा अनुभव रहा? कब लोगों के मन में एक सवाल होता है कि एक महीने में ट्रेनिंग नहीं हो सकती, क्या एक महीने में ट्रेनिंग हो सकती है? यस सर, हो सकती है सर। जस्ट ऑटो में हो सकती है? जस्ट ऑटो में हो सकती है। उसका कारण क्या है? इसके प्रोफेशनल एक नंबर है सर। पाना पकड़ना नहीं आता था और अब लग रहा है सर घर जाके अपना कर सकते हैं। अपना कर सकते हैं। दूसरा माइक का है, देते रहना भी सबको। आप तो घर जाके कर सकते हैं। फ्रेशर थोड़ा सा क्या होता है, फ्रेशर आदमी को जब नई चीज दिखती है तो ज्यादा एफर्ट लगाता है। जो सीखे हुए हैं वो 7-8-10 दिन कंफ्यूज रहते हैं कि हो क्या रहा है, पर जो कन्फ्यूजन को ख़त्म करके सीखता है ना वो बहुत कुछ सीख के चला जाता है। बहुत अच्छा सिखाया मैंने। अब ये किसी चीज़ में नहीं। आपका क्या नाम है? आशीष। आशीष, मैं बोलता हूँ कि आशीष को अब कोई भी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि कभी कभार प्रॉब्लम आई तो ये एक आध फोन सर को करेगा और सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसके बाद नहीं आएगी। कहाँ डरेगा ये किसी ईवी का मोटर खोलना हो, उसमें भी नहीं डरेगा एक बार, पर वो ईवी का टायर खोल के मोटर खोलना होगा ना, तब थोड़ा सा डरेगा। बाकी BS6 में आशीष, BS6 में कितने लोगों को डर है और कितने लोग BS6 गाड़ी को कर सकते हैं? कर लेंगे। BS6 कर लेंगे जी सर। सारे सेंसर वेंसर सब बेस्ट? हाँ सर। जो उम्मीद करके आए थे मिला? हाँ सर। एक महीने में सीखने का मैं आपको रीजन बताता हूँ। आप रोज सुबह कितने बजे आ जाते हैं? 9 बजे क्लास आ जाते हैं। 9:30? क्या 9:30 से कितने बजे तक रहते हैं? 6 बजे तक रहते हैं सर। कभी 7 बज जाते हैं। क्या उस बीच में जब आपका दिन निकलता है सुबह शाम के 7 बजते तब तक आपको पता चलता है कि मेरा दिन निकल गया? नहीं सर। थक रहा हूँ ज्यादा दिन, बड़ा दिन बड़ा लग रहा है? नहीं सर। उसका रीजन है कि जब आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाया जाता है तो आपको आप उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको जितना सिखाया जाता है, पहले दिन सबसे पहला टॉपिक क्या चला था? स्पीडोमीटर। हम लोग का सबसे पहले टूल्स के बारे में बताया, उसके बाद फिर स्पीडोमीटर के बारे में पूरा जानकारी दी। पहले वहां से चालू किया, फिर टायर। फिर टायर सीक्वेंस से चला। हाँ सर, स्टेप बाय स्टेप। हमने कहा कि इंजन कर लो? नहीं सर। क्या हमें 20 इंजन खोल के सीखना जरूरी है? नहीं सर। परफेक्ट तरीके से यदि हम 2 से 3 इंजन भी बना लें तो बहुत अच्छी बात है, मानते हैं? हाँ सर। तरीके समझाए जाते हैं आपको कि कहाँ पर क्या करना है? हाँ सर। किन सावधानियों को ध्यान रखना है? हाँ सर। तो अपन एक महीने में सीख पाते हैं क्योंकि आप सेलेबस से सुबह से शाम चलते हैं। हाँ सर। क्या कभी आपने बीच में कोई नया टॉपिक लाया, सर ने चेंज किया? नहीं सर। क्योंकि वो क्या कहते हैं, सिक्वेंस से चलो। सिक्वेंस से यही होता है सर। मैं बिहार से हूँ सर। हाँ। और मैं बिल्कुल फ्रेशर था जब मैं यहाँ आया था। ठीक है। तो मैं सोच गया था सर यहाँ काम सीख के मैं अपना दुकान ओपनिंग करूँगा, तो अब मुझे लग रहा है मैं कर सकता हूँ सर। कर सकते हो? आराम से कर सकते। बस 15 दिन मुझे यहाँ पे और रुक के मुझे की कटिंग के साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस और वो भी सीखना है। हाँ जी। चलो एक और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मुझे ये भी सीख के जाना है। आपका तो सब कुछ था, अब क्या प्लान? बोलिए। आगे की कटिंग सीखेंगे और फिर इधर से जाके 2-व्हीलर और 4-व्हीलर का दोनों बड़ा सेटअप करेंगे अहमदाबाद में। अहमदाबाद में करना है? हाँ। ओके। बड़ा सेटअप। मेरे को पहले कुछ भी मालूम नहीं था। अभी जांच ऑटो में ट्रेनिंग लेने के बाद लगता है कर सकता हूँ मैं। पहले वर्कशॉप था आपका? नहीं, प्रेशर था। आप कर लोगे? अभी कॉन्फिडेंस है, कर लूँगा। कर लेंगे ना। हाँ। कहाँ से आप? आसाम से। मैं फ्रेशर हूँ सर, मेरे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। मैं अभी लग रहा है मैं खुद कर लेगा। कहाँ से आप? आसाम से। आप भी आसाम से? हाँ सर। वेरी गुड। मतलब फ्रेशर वाले आगे थे। सर को दीजिए। फ्रेशर सर। हैं? फ्रेशर। जाके ही वर्कशॉप खोलना है। जाते ही प्लान। कहाँ से आप? वेस्ट बंगाल। हैं? वेस्ट बंगाल से। ओके। बिहार से हूँ मैं। कितने टाइम से सीखा है? पहले आता था? 1 साल सर। 1 साल का जो 1 साल में सीखा और 1 महीने में सीखा, फर्क क्या है? बहुत फ़र्क है सर। बहुत फ़र्क है। 1 महीने में पूरा नॉलेज आया, 1 साल में नहीं आया। एक साल में नहीं आया। गुड। मतलब संतुष्ट है?
आगे दीजिए। आपको भी थोड़ा बहुत आता था? आता सर। इसको तो जबरदस्ती रोका गया था कि सीख ले भाई, क्योंकि एक भाई इसका सीख रहा है ईसीएम, ईसीएम वायरिंग, तो बड़ी घबराहट थी। पेरेंट्स ने समझाया इसको, एक दिन रुक के समझाया, एक दिन रुके माता पिता के, रुको यार तू सीख क्या। फिर इसके मन में आया कि हाँ मैं रुकूं, रुकना ठीक रहा कि नहीं? ठीक रहा सर। ठीक रहा, कैसा एक महीने में? बहुत बढ़िया है सर, सब सीख गया, सब सीख गया। अब क्या कॉन्फिडेंस है वहाँ जाकर? कॉन्फिडेंस, अभी जाके सीधा वर्कशॉप डाला। आपको पहले से काम किया हुआ था? किया हुआ। किसका? डेढ़ साल किया है। डेढ़ साल। आपका बताए? सर मैं गुजरात के डांग जिले से, मेरा 4 बरस का अनुभव है और मेरा खुद का गैरेज अभी तो मेरे बीएससी का कुछ नॉलेज नहीं था, अपन आप इधर आके सीखा तो अभी कॉन्फिडेंस है कि सब गाड़ी कर लूँगा। अच्छा, बीएससी का 4 साल का था, बीएससी तो सीखा ही सीखा, बीएस4 बीएस3 में कितना सीखा? बहुत बड़ा सीखा सर, बहुत सीखा, पूरे नॉलेज था अपन कंप्लीट नहीं था, प्रॉपर तरीके से वर्किंग है ना, स्टेप बाय स्टेप सब सीख गए। हाँ सर। ओके, मेरा नाम रोशन है, मैं बिहार से हूँ और मैं एक महीने में यहाँ बहुत कुछ सीखा हूँ और मैं बिल्कुल एक न्यू फील्ड में अपने आप को लेके आया था, मेरे लिए बिल्कुल ही नया टॉपिक था ये, और अजय सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक कंसेप्ट को बारीकी से समझाया है और यहाँ से जाने के बाद लोग पर्सनली मुझे या जो भी फ्रेशर्स हैं सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और अपना वर्कशॉप ईजिली डाल सकते हैं वो लोग, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, फूड का हो या मेस मतलब रहने का हो। और एक सिस्टम यहाँ का मुझे बहुत बेहतरीन लगा कि चाहे किसी भी उम्र में यहाँ पे अगर आप आते हो तो स्टूडेंट लाइफ दोबारा आपको जीने को मिलेगा। कहते हैं ना, कहते हैं काग चेष्टा बको ध्यानम गृह त्यागी अल्पहारी इति विद्यार्थी पंच लक्षणम, यानी विद्यार्थी के 5 लक्षण होते, ये सारे कंसेप्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे और फैकल्टी अजय सर बहुत बेहतरीन है, चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक वे में लेके जाते हैं। जस्ट ऑटो का जो ये ग्रुप है, आपस में साथ रहें ग्रुप में, एक दूसरे की तो हेल्प करें ही करें, जब कभी फंसे तो शर्म नहीं करें हमको फ़ोन करने में, कहीं फंस जाएं तो फ़ोन करने में शर्म नहीं करें, हम आपसे कभी किसी तरह से नाराज़ नहीं रहते हैं, फ़ोन करो हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे। जब हमने आपको कभी फंस गए, बहुत कम लोग फंसते हैं, फंस भी गए तो यदि आपको एक या दो कॉल में यदि 2 बार कॉल करना पड़ेगा और 2 बार हमने आपको फ़ोन पे समझा दिया, मैं बोलता हूँ आप कभी नहीं अटकेंगे, तो मस्त कॉन्फिडेंस में जाके अपना काम स्टार्ट कीजिए, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। एक अजय सर आइए, हम थोड़ा कैमरे की तरफ देख के, ये वो कैमरे वाला बोलेगा, मैं एक चीज़ बोलता हूँ आप मुझे बोल देना, उधर देख के ही बोलेंगे, सबको ले लें भी साथ में, उधर देख के ही। क्या एक महीने में 2 व्हीलर सीख सकते हैं? और कहाँ सीख सकते हैं? थैंक यू सो मच, और अजय सर को पुनः बधाई एक नया सक्सेसफुल बैच निकालने की और नया बैच आने के स्वागत की भी आपको बधाई कि नया बैच इस तारीख को आ रहा है। थैंक यू, यही हमारा बैच है, कंटिन्यू यदि आना है आपको ट्रेनिंग लेना है तो जस्ट ऑटो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच।